आई होप आपको वो सिल्क फैक्ट्री का डिटेल जो भी मैंने अभी दिखाया और स्टेप्स वगैरह सही लगाओ। मैंने तो ये सब चीज़ें पहली बार देखी हैं, अभी तो काफ़ी मज़ा आया। और बाकी वहाँ पे जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे और बाकी लोग थे, देवी आर ऑल्सो क्वाइट हेल्पफुल, काफ़ी चीज़ें वो भी बता रहे थे, समझा रहे थे मुझे, तो इट वॉज नाइस। ऑल दो लैंग्वेज बैरियर था बट ठीक है, समझ में आ जाता। और उसके बाद फाइनली अब हम लोग पता नहीं क्या, अभी मैं पहुँच चुका हूँ लियन हुआंग एयरपोर्ट, यानी कि दालात एयरपोर्ट, जहाँ से अभी हम जा रहे हैं हो ची मिन्ह। हो ची मिन्ह के लिए अभी जब हमने चेक इन करा तो चेक इन करने का सिक्योरिटी प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, बस जब हम लगेज चेक इन करते हैं और सिक्योरिटी चेक इन के लिए होता है तो फिर वहाँ पे वो लोग जूते भी हमसे खुलवा के वो ट्रे में रखवाते हैं। बाकी सब चीज़ तो ऑलमोस्ट सेम ही, कुछ ऐसा नया नहीं है। जूता और चप्पल वाला पार्ट बस नया था क्योंकि वो नहीं मिल रहा था हमारे वहाँ पे इंडिया में, तो बाकी उसके हिसाब से सब चीज़ें सही थी। अभी हो गया है 4:30, तो 6:10 की है मेरी फ़्लाइट, तो तब तक बैठ के थोड़ा बहुत खाएंगे पियेंगे कुछ, थोड़ी बहुत वीडियो एडिटिंग करेंगे और फिर शाम को अराउंड 7 बजे तक हम पहुँच जाएंगे हो ची मिन्ह, फिर वहाँ करेंगे पार्टी। क्या देख लेते हैं कि आज रात का क्या रहेगा सीन। उसके बाद परसों का यानी कि कल का मेकोंग डेल्टा का प्लान कर रहे हैं, अगर थकान रही नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेते हैं। दिस इज द वेटिंग एरिया हियर, छोटा सा एयरपोर्ट है, यहाँ से ज़्यादा दिन भर में सिर्फ 25 फ्लाइट्स जाती है यहाँ से, हानोई हो ची मिन्ह और एक दो जगह होंगी, तो ज़्यादा है नहीं फ्लाइट, और भीड़ भी यहाँ पे बहुत ही कम रहती है। मतलब सिक्योरिटी चेक इन और प्रोसेस में पूरे के पूरे मुझे 20 मिनट लगे 20 मिनट माई हैव रीच डेयर। वहाँ आएगा सामने फ्लाइट, गेट नंबर 4 दिया है मेरा, वेट करते हैं थोड़ी देर फिर। और ये अभी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है 5:51, अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे वेट किया मैंने, कोई नहीं। और अब चल रहे हैं अपने उड़ान की तरफ। एमरजेंसी सीट दी है मुझे एमरजेंसी एग्जिट वाला, तो कह रहा है कि सर आपको वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से बैठना होगा, मतलब कुछ अगर उड़ता है गिरता उड़ता है तो फिर ध्यान देना पड़ेगा। फ्लाइट का बैगेज बोल रहा है कि बैग डिलीवरी एक्सपेक्टेड 7:30, विजय 365 दलाल। और भीड़ है इधर, हम वेट कर रहे हैं, लगेज आए भाई फिर जाएंगे। बड़ी देर के बाद बैगेज मिला, बैगेज मिलते मिलते हो गया 7:42। बताओ 7:10 का फ्लाइट था, लैंड होने का 1.5 घंटे लग गए। दिस वी हैव रीच्ड, बाहर आ गए। अब यहाँ से हमारा होटल वॉकिंग है, वॉकिंग यहाँ से कितना 900 मीटर्स, सो लेट्स वॉक। हो ची मिन्ह की गलियों में अब 2 दिन भटकना है, 2 नहीं 3 दिन, हाँ आज अगर ले लें तो 3 हो गया,
ये तो कल और परसों तो है ही। ये इसके पीछे ही है हमारा होटल, ये जो रोड है इसके उस साइड पे। आप हम लेफ्ट से जा सकते हैं या हम राइट से जा सकते हैं, देखते हैं क्या रहता है। ये रहा हमारा होटल, न्यू स्पेस होटल, रेस्टोरेंट यहाँ है, स्टेयर्स यहाँ है। एयरपोर्ट से यहाँ पहुँचने में लगते हैं मुझे 15 मिनट। एंड आई रिक्वेस्टेड फॉर हायर फ्लोर, जो मैं हर जगह ही करता हूँ, पसीने पसीने आ रहा है। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी चलो हो गया है इस जमाने में यार, ऐसा तो करता नहीं। अब ये रूम का व्यू सही है, बाकी कल का भी तो कोई प्लान नहीं किया मैंने कि कल मेकॉन्ग डेल्टा जाऊं या यहीं लोकल एक्सप्लोर करूं या क्या करूं, अभी डिसाइड करना पड़ेगा ये क्या करना है कल का। सस्ता टिकाऊ सिंपल साड़ी, ये रहा वॉशरूम, लॉन्ड्री बास्केट, ड्रायर, जो नॉर्मल होता है सब जगह, शेर। चलो घूमते घूमते एक्चुअली डिनर करने आए थे, तो कहीं आए हैं यहाँ सामने बीच है, चलिए बीच दिखाते हैं। बड़ी हैपनिंग जगह है और यहाँ स्कूटियाँ तो इतनी सारी है कि बाप रे बाप, 1.5-2 मिलियन स्कूटी होगी रोड पे, देख सकते हैं पूरे चारों तरफ। मेरे रोड पे जब आप चलेंगे गाड़ी से ज़्यादा स्कूटी होंगी, लोग से ज़्यादा स्कूटी होंगे। वॉच दिस अमेजिंग प्लेस, सारे स्कूटियाँ
ट्राइन क्रॉस दिस रोड, इतनी ज़्यादा भीड़ है क्रॉस करना मुश्किल। What a beauty! कोई इस जगह को देख के कह पाएगा कि इस कंट्री में ऑलमोस्ट 200-300 साल से ज़्यादा का वॉर झेला हुआ है, एक कंट्री से नहीं दो दो कंट्रियों से, और इतनी सारी चीज़ें इतनी डिवास्टेशन के बाद देखो आज इस कंट्री की हिम्मत और प्रॉस्पेरिटी। यही कहता है ना कि इंसान को लाइफ में ना हिम्मत नहीं चाहिए हारना, दे नेवर नील डाउन एंड हियर दे आर लवली। बड़ा खुशी होता है और मज़ा आता है ये देख के। दिस इज साइगोन रिवर एंड ऐसे यहाँ पे रात को पार्टियाँ होती हैं जहाँ डांस कॉन्सर्ट म्यूजिक सब चलते रहता है। साइगोन रिवर पे है ये। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म। आई होप आपको आज का भी ब्लॉग सही लगा हो। सही लगा हो तो पता है आपको क्या करना है, हर वीडियो में बोलना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।